الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स टू सफा नंबर 4 इशारा सी। आज के इस सबक में आप सबको खुश आमदी। कोर्स टू जब हमने शुरू किया था तो मुसहफ से हमने पहले 5 सफहात हमने पढ़ने थे, जिसमें पहला सफा हमने शुरू किया उसमें सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा और हिदायत का मज़मून हमने देखा जिसमें मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन का तज़किरा था, फिर कुरान की दावत और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है जो सबसे पहले इंसान जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। आज के सबक में हम इंशाल्लाह अपना चौथा सफ़ा मुकम्मल करेंगे। कोर्स टू में पढ़े जाने वाले 5 सफ़ात को हम अपनी फिंगर टिप्स पर इस तरह से याद करते हैं कि अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ आप करें तो अंगूठा आपका पहला सफा है, फिर साथ वाली उंगली दूसरा, फिर तीसरा, सबसे छोटी उंगली है वो 5वां सफा कहलाती है। इस तरह से हमने 5 सफात कोर्स में कवर करने हैं और उसमें हर सफे पर 4 इशारात हैं। तो अब तक हम पहले 3 सफात हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने 12 इशारात पढ़े और चौथे सफ़े के हमने पहले 2 इशारात कवर किए। इस लिहाज से अब तक हम 14 इशारात पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम अपना चौथा सफ़ा भी मुकम्मल करेंगे। तो पहले 3 सफात जो हमने पढ़े उनके इशारात को एक दफ़ा हम रिवाइज करते हैं अपने फिंगर टिप्स पर। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरा सफ़ा, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुफे। तीसरा सफ़ा, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। पहले 3 सफ़ात के इशारात हमने कवर किए जिसमें 2 इशारात सूरह फातिहा से, उसके बाद आने वाले इशारात सूरह बकरा से हैं। आइए हम चौथे सफ़े के इशारात को देखते हैं। चौथे सफ़े के इशारात हैं वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। तो पहले 2 इशारात हमने पढ़े, वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल। आइए आज के सफ़े का तारफ लेते हैं। इसमें जब भी हम कोई आयात पढ़ते हैं तो उसमें सबका आयात के साथ उसका लिंक तलाश करते हैं कि पहली इससे जो पढ़ी गई आयात है उसमें अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया था कि फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी, फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी, वबा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। तो अब उन्हीं फासिकीन के बारे में यहाँ पर आज के सबक में तस्करा होगा कि वो फासिकीन कौन है, उनकी क्या क्या फसलतें हैं फासिकीन की। तो आइए उनको देखते हैं आज के सबक को। आज की जो आयात है उनमें असबाक बड़े आम हैं कि फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फासिकीन जो है वो अल्लाह ताला से जो किए हुए वादे हैं वो तोड़ते हैं और रिश्तों और तलकात को तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। यानी उनके आमाल इस तरह के हैं कि जिनकी वजह से उनको हिदायत नहीं मिलेगी कुरान से। आइए देखते हैं इस आयत को तफसीलन। कुरान बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हर लाइन में हमने कहा था 3 या उससे कम नए अल्फाज हैं। तो इंशाल्लाह हम इन अल्फाज को सीखते जा रहे हैं, अपने वोकैबुलरी में इजाफा करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह एक लेवल आएगा कि मोस्टली अल्फाज हमें आते होंगे। अभी भी आप देखें इसमें ऐसे अल्फाज हैं इन लाइन में,
कई अल्फाज हम पहले से भी जानते हैं, इंशाल्लाह हम आगे स्लाइड में देखते हैं। आइए आयत का तर्जुमा और शरह मुख्तसर करने से पहले हम इसको सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। आयत का तर्जुमा हम अब देखेंगे, लेकिन साथ साथ हम अल्फाज को शरह के साथ भी पढ़ रहे होते हैं कि ये अल्फाज ग्रामेटिकली क्या है, आप लोग इस पर भी गौर किया करें। हर हर लफ्ज तारकी लफ्ज यहाँ पर इस आयत में, इस फ्रेज में, ये लफ्ज क्या है, ये फेल है, इसम है, फेल है तो उसकी कौन सी किस्म है, इन चीज़ों पे आप गौर करेंगे ताकि तर्जुमे के साथ साथ हमें इन हमें जो कोर्स का मकसद है कि हमें अल्फाज समझ आ जाए मीनिंग के साथ, तर्जुमा भी हम समझ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि ये कोई आयत के अंदर किस्म है, फेल है या कौन सी कैटेगरी है, तो वो हमें साफ समझ आती है। अल्लज़ीना, वो लोग जो, अल्लज़ीना का लफ्ज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कोसवन में भी, अल्लज़ीना वो लोग जो, और यनकुज़ूना अहदल्लाह, ये फ्रेज है पूरा, जो फ्रेज आपको नजर आते हैं किताब में भी और यहाँ स्लाइड में भी, उसके ऊपर एक अलग सकलत किया गया है, उनको हाईलाइट किया गया है, ये पूरा एक फ्रेज है। यनकुज़ूना अहदल्लाह, यनकुज़ूना, ये शक्ल से हमें लगता है कि ये फेल मुजारे है, शक्ल से क्या लगता है, ये फेल मुजारे है। वो तोड़ते हैं, ये फेल मुजारे है, ये इशारा, और यनकुज़ूना ये जमा का इशारा है, फेल मुजारे। यनकुज़ूना वो तोड़ते हैं अहदल्लाही, अल्लाह के अहद, अहद वादे को कहते हैं, अहदल्लाही अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। मिम बादी मीसाकी, अहद हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते रहते हैं, तो अल्लाह के साथ किए वादे को तोड़ते हैं। मिन बादे मीसाकी, मिन बादे मीसाकी ही, इस हिसाब से ये चार टुकड़े हैं, ये पूरा जो फ्रेज है मिन बादे मीसाकी का, ये चार टुकड़ों का मुश्तमिल है, मिन से बादे बाद मीसाकी ही, उसको मजबूत करने के बाद, मिन बादे मीसाकी, उसको मजबूत करने के बाद, अल्लाह का हाथ को तोड़ते हैं उसको मजबूत करने के बाद। वा और, वा से यहाँ पर दूसरी उनकी खसलत शुरू होती है, वा और यक्ताऊना, वो काटते हैं, यक्ताऊना और वो काटते हैं, यक्ताऊना जो है ये भी हमें शक्ल से फिर गुजारे ही लगता है, और फिर गुजारे में भी जमा का सीगा हमें नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आखिर में वाउ में है जो जमा की अलामत है, और यक्ताऊना का फेल हमने पढ़ा काता यक्ताऊ, हमने पहले पढ़ा है कि माँ का माना जो भी है, माँ नफी करने के लिए भी आता है, और माँ जो है वो क्वेश्चन करने के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर माँ का माना है जो, मा अमरल्लाहु अमरा यामुरु, हमने फिर पढ़ा अमरा, उसने हुक्म दिया, अमरा उसने हुक्म दिया, अमरल्लाहु इसका जो सब्जेक्ट है वो आगे आ गया, तो उसको हम कहेंगे अल्लाह ने हुक्म दिया, अमरल्लाहु अल्लाह ने हुक्म दिया, बिही उसका, उसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया, आई यूसर, ये मा अमरल्लाहु बिही, ये भी एक पूरा फ्रेज जो हुक्म दिया अल्लाह ने, इन अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया, जिसको करने का हुक्म दिया अल्लाह ने, क्या आई यूसर के उसे मिलाया जाए, अन यानी के यूसरा मिलाया जाए। अब ये जो यूसरा है, हमने वसला यसिलु जराबा से पैटर्न से है, वसला मिलाना, वसला उसने मिलाया, वस यसिलु को मिलाता है, तो
वसला यसलु को मिलाता है। तो यसलु से इसके एक फॉर्म है, हम इसी कोर्स के आखिरी लेसन में पढ़ेंगे ये कंसेप्ट, उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है जिसके अंदर उसका जो सब्जेक्ट है वो मालूम नहीं होता, उस तरह के उसे मिलाया जाए, उसका इशारा भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आखिरी लेसन में पैसिव वॉइस का। अगर आपके पास बुक हो आप क्लास के बाद उसको वहां से देख ले सकते हैं। इसको कहते हैं फेल मजबूर पैसिव वॉइस। आयूस अल्लाह को उसे मिलाया जाए। वायुसिदूना, यहाँ से तीसरी खसलत है, वाह और युसिदूना वो फसाद करते हैं, वो फसाद करते हैं। युसिदूना ये भी हमें शक्ल से फिर मजारे ही लग रहा है, वो फसाद करते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इंशाल्लाह कोर्स 3 में हम ये पैटर्न पढ़ेंगे। है तो इसका मादा वा सीन और दाल ही है, लेकिन ये इसको कहते हैं पेश वाला मजार है। युसिदूना जो है ये पेश वाला मजारे है, तो पेश के मजारे हमने कोर्स 2 में नहीं पढ़े और इंशाल्लाह हम कोर्स 3 में पेश वाले मजारे भी पढ़ेंगे। तो ये जो पैटर्न है पेश के मजारे वाला इंशाल्लाह कोर्स 3 में हम कवर करेंगे। तो युसिदूना वो फसाद करते हैं फिल आर्ज़ी जमीन में, वो फसाद करते हैं जमीन। ये तीनों खसलतें यहाँ पे हमने देख ली है। उलाइका ये वही लोग हैं, हुमुल खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले हैं, नुकसान उठाए। उलाइका का मतलब वही लोग और हम माना भी वो सब है, उलाइका भी वो सब। ये हम को दोबारा लाया गया इसलिए यहाँ एम्फेसिस पैदा करने के लिए और तख़सीस करने के लिए, ये वही लोग हैं, ऐसी ही खसरतों वाले जो लोग हैं, यही लोग हैं खासिरून हैं, खसारा पाने वाले हैं। खसारा खासिदा यकसद हमने फेल पढ़ा है फैसला से, तो इससे आता है खासिर खसारा पाने वाला, और इसी की जमा आती है खासिरून, हमने देखा। आइए देखते हैं इसकी मुख्तसर शरह देखते हैं। अभी तर्जमा देखने के साथ ही आपको इसका मसल तो सारा समझ आ ही गया इंशाल्लाह, लेकिन हम इसको डिटेल में ये पहला फ्रेज है और ये पहली खसरत है उनकी, अल्लाह ताला से किए हुए जो वादे वो तोड़ते थे। वादा क्या किया था कि अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे और तेरी ही हम इताअत करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं दुनिया में आकर। ये जो वादा आलमे अरोहा में किया गया था, तो उस वादे के बाद दुनिया में जब आए तो अल्लाह से उसके वादे को भूल गए और ना तो उसकी इबादत करते हैं और ना ही उसकी इताअत करते हैं। तो ये पहला ये पहली खसरत है। यहाँ उस अहद की तरफ इशारा हो सकता है जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने हम सब की रूहों को इकट्ठा किया और ये अहद लिया। अहद कौन सा था? कुरान पाक में एक जगह पर आता है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सब का रब नहीं हूँ? ये रूहों से जब अल्लाह ने अहद लिया, कालू तो उन सब ने कहा बला, बला मैंने क्यों नहीं, यानी कि आप हमारे रब हैं, सबने वहां पे माना था तो रब है, तो जाहिर बात इबादत भी उनकी करनी थी। और कुरान में एक और जगह पे जहां आया कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो उस अहद को हम भूल गए तो इबादत भी नहीं की और अल्लाह की इताअत भी नहीं की। जब भी इंसान कुरान हदीस की बात को सुनकर दिल में ये महसूस करता है कि ये बात सच है, तो ये उस अहद का असर है। इंसान जब ये महसूस करता है कि ये जो बात मैं सुन रहा हूँ ये सच है, ये जो अहद अल्लाह से आलम अरोहा पे किया गया था वो उसी का असर होता है, तो वो हमें याद आता है। हक जानने के बाद शुक्राना असल में अल्लाह से किए गए वादे को तोड़ते हैं। हक जानते भी हैं, एक तो है कि जानते ही नहीं है, एक है जानने के बाद उसको तोड़ना, ये बहुत बड़ी बुराही की बात है और बहुत बड़ा रिस्क है। क़यामत के दिन अल्लाह बताएगा कि कब कब किस इंसान ने हक बात को जानने के बावजूद उसका इनकार किया। पहली खसरत हो गई। दूसरी है अल्लाह के अहद को तोड़ने के अलावा वो खानदान के ताल्लुकात को बरकरार रखने का भी ख्याल नहीं रखते हैं। जो खानदानी ताल्लुकात हैं उनको भी बरकरार नहीं रखते हैं। जब कोई शख्स अल्लाह ताला का, जिसने अल्लाह ने उनको पैदा किया है, या अपने करीब तरीन रिश्तेदारों का जो उसकी परवरिश में हिस्सेदार भी रहे हों, उसका भी ख्याल नहीं रखता, तो उसकी बातें और उसके काम उसे फसाद की तरफ ले जाते हैं। उसके जो अमल हैं वो उसके जो ताल्लुकात हैं जो मामलात हैं उस वो मुआशरे के अंदर फसाद का ही बाहिस बनेंगे।
क्या होंगे, उसके जो अमाल हैं और उसके जो तालकात है और मामलात है वो माशरे में फसाद का बायस बनेंगे। तो लाजिम बात है कि वो उस जमीन में फसाद फैलाने वाला हो। हमें आपस के तालकात को बरकरार रखना चाहिए ताकि हम हिदायत हासिल करके कामयाब हो सकें और नाकामी से हम बच सकें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है एक हदीस पाक में, ला यदखुलु जन्नत काफिया, क्या तर्जुमा है इसका, ला यदखुलु नहीं दाखिल होगा अल-जन्नत जन्नत में, काफियाउन काफि किसे कहते हैं, मैंने पढ़ा काता यकता से इकता काफियाउन, ये काफियाउन है कता तल्लुकी करने वाला, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हमें इससे सबक हासिल करना है कि हमें अपने आपस के तल्लुकात उनको दुरुस्त करना है। उलाइक हुमुल फासिकून, अब इस बात से ये वाज़े होता है कि ये जो फासिकीन है जिनके अंदर ये खसलें तो होंगी वो नुकसान उठाने वाले। नुकसान कैसा, नुकसान ये है कि उनके जो दिलो दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा, जो इंसान चाहता है कि मुझे जरा वो सुकून हासिल हो जाए वो भी नहीं मिलेगा, और ना तो उसके रिश्तेदारों की अज़ाकारों की और सब इंसानों की जिससे सबसे उसने बिगाड़ कर रखी हुई है उनकी बंदी नहीं मिलेगी, तो एक किस्म का अकेलापन हो जाएगा जो कि इंसान के लिए बहुत ही तकलीफ दे बात है। इन मुआशे में रहते हुए भी इंसान अकेला महसूस करे अपने आप को कि खुशी गमी के साथ में उसके साथ कोई भी ना हो, तो ये उसकी हरकतों की वजह से ही ऐसा होता है। और ये तो दुनिया के अंदर है, लेकिन आपने इन अमाल की वजह से वो आखिर के अंदर भी जो पेशा पेशे की खुशी है उससे भी महरूम हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी पिछले स्लाइड में ये देखा ला यदखुलु जन्नत काफियउन के कता तल्लुकी करने वाला उसमें दाखिल नहीं होगा जन्नत। आइए आयत को हम दोबारा से पढ़ते हैं ताकि हमें इसका तर्जुमा याद हो जाए। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़्तउना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। तर्जुमा इसका मुहावरा करते हैं, जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं उससे पुख्ता इक़रार करने के बाद और उसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो उसे जोड़े रखें और वो जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले। आयत का तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा है, आइए इसके असबाब को और लेंस देखते हैं। असबाब कैसे हैं, असबाब फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, हमने इसे पिछली स्लाइड में देखा था, वमा युदिल्लु बिही इल्ला फासिकीन, नेक गुमराह होते हैं इसके जरिए मगर फासिकीन, यानी फासिकीन ही इसके वजह से गुमराह होते हैं, यानी फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। तो उसकी वजह क्या है, वो वजह यहाँ इन आयात में बता देंगे, क्योंकि अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, रिश्तों और तल्लुकात को तोड़ते हैं, मज़मून में साथ बनाने का वायस बनते हैं। इन आयात को पढ़ने के बाद हमने दुआ क्या करनी है, एक तो दुआ करनी है कि अल्लाह जिंदगी के तमाम शोबों में हमें तेरी इताअत करने की तौफीक अता करे, हम तेरी हर मामले में इताअत करें, और दूसरी बात क्या है कि हमें रिश्तेदारी को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा, हमें इस्लाह करने वाला बना, दुनिया में फसाद फैलाने वाला बना, और इसी के जरिए से हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी अता करे। जब हम दुआ करेंगे इन आयात को पढ़ने के बाद, फिर अपने जिंदगी का एहसास भी करना है कि इससे पिछली जो हमारी जिंदगी गुजरी है उसके अंदर हमारे जो मामलात हैं क्या इन आयात के मुताबिक हैं या इन आयात के अपोजिट हैं, यानी जिन जो खसलतें यहाँ जिक्र की गई हैं फासिकीन की, क्या ये इनमें से कोई भी या ये सारी की सारी हमारे अंदर भी मौजूद हैं या नहीं है, अगर पहले से मौजूद थी तो उनको हमने ख़त्म करने की कोशिश करनी है और आइंदा जिंदगी का बयान करने का इंतजार है, ऐसा कोई भी अमल या हरकत ना करूँ जिससे ये जो फासिकीन की खसलतें वो मैच करती। और इन चीज़ों को ये जो हमने पढ़ी हैं, हमने इनको आगे दो लोगों तक भी पहुँचाना है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता करे। फिर क्या करना है कि मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत एहतराम के साथ पेश आने और उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा, मैं एक सोशल वर्कर यानी आम इंसानों की खिदमत करने वाला बनूँगा, आम इंसानों की खिदमत करने वाला बनूंगा, यानी यहाँ पर ये नहीं है कि अगर कोई मुझे मेरा जानने वाला है तो मैं उसकी मदद करूँगा, लेकिन अगर कोई जानने वाला नहीं है तो मैं उसकी मदद करके, ऐसा नहीं होगा।
कोशिश करनी है कि जितनी मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, जितना मैं किसी के काम आ सकूँ उतना मैंने कोशिश करनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक। आइए अस्मा और अफाल देखते हैं इन आयात में। अस्मा है आहद, आहद कहते हैं वादे को, इसके बाद यह उहूद। आहद की जमा क्या है? उहूद, आयन के पेश के साथ आएगा उहूद। मिसाक पुख्ता वादा, मवासी किसकी जमा आती है? मिसाक की जमा क्या है? मवासी पुख्ता वादा को कहते हैं। अल-अर्ज, अर्ज जमीन और इसकी जमा है अराजी। अल-अर्ज जमीन और जमा क्या है? अराजी। ये अराजी का लफ्ज हम उर्दू में सुनते रहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी के कारोबार है इसके अंदर तो आमतौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल होता रहता है। खासिरून, ये खासिर की जमा है, जैसे हमने जिक्र किया खासिर इस्म फाइल है, इसकी जमा खासिरून भी आती है और खासिरीन भी आती है। वारून की जमा और यारून की जमा, ये जमा सारे उसको कहते हैं। जमा के भी जो औजान है इंशाल्लाह इसको भी, ये जो कंसेप्ट है जमा का, इसको भी हम इसी कोर्स के आखिरी लेसन में करेंगे। आइए अफाल देखते हैं। अफाल कौन से हैं? जो सेहतमंद अफाल हैं, चार पैटर्न हमने पढ़े थे, फातहा, नसरा, ज़रा और समिया। इन पैटर्न पे आने वाले जो सेहतमंद अफाल हैं, नाकासा यनकुज़ू ना हमने पढ़ा था, नाकासा यनकुज़ू, नसरा से आता है, नसरा का साउंड है, नाकासा उसने तोड़ा, नाकासा यनकुज़ू, नाकिज़ुन, मनकूज़ुन और नक्सु। नक्स किसे कहते हैं? तोड़ना। इस तरह से है यक्ताऊ ना, फता फता का पैटर्न, फता यक्ताऊ, इक्ता, कातियुन, मक्तुउन और कतुउन, कतुउन यानी काटना। हमारा हमें नासरा से पढ़ा है, हमजा वाला फेल है, हमजा वाले अफाल को आपको बताया कि हमजा वाला भी कहा जाता है और से भी कहा जाता है, क्योंकि हमजा जो है बेसिकली कमजोर हर्फ नहीं है, इसलिए इसको इस यहाँ इनके साथ भी जिक्र कर दिया जाता है। बाज हमारा यकमुरु मुर, आमिरुन, मामूरुन, अमरुन, अमर हुक्म। इस तरह से खासिरा समिया से आता है, खासिरा यखसरु, इखसर, खासिर डैश और खुसर, मस्तर खुसर भी आता है और खुसार भी आता है। यहाँ पर डैश क्यों आया है ये इसम मफ़ऊल में? डैश इसलिए कि खासिर जो है ना नुकसान उठाने वाला, इसका असर किसी और पर नहीं पड़ रहा, इसलिए हम ये कहेंगे कि जिस फेल का असर किसी पर नहीं पड़ता उसका मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं है। खासिरा उसने खसारा उठाया, उसने नुकसान उठाया। आइए इसके बाद देखते हैं आज की जो आयत है इसके अंदर कमजोर अफाल कौन कौन से हैं। यूसला, यूसला में हमने इस पर बात की थी कि ये फेल है, ये टाइप और है, लेकिन हमने ये वैसे तो ये पढ़ रखा है फेल, ये पैटर्न हमने पढ़ा है, जैसे वासला, यसिरु, वादा, याइदु की तरह आता है, जराबा का पैटर्न है, लेकिन इसके अंदर जो यूसला की जो शेप है ये शेप हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। वैसे इसकी शेप जो है ना, असल अगर देखा जाए तो इसकी शेप यू सालू होनी चाहिए, यू सालू, ये जो लाम पर जबर है ये अन की वजह से आया हुआ है। इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे जब हम इराब की कंडीशंस पढ़ेंगे ना, जुमले बनाना सीखेंगे हम बोस 4-5 में जाकर, तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि आमतौर पर तो मुजारे जो उसके आखिर में पेश होता है, जैसे हमने पढ़ा नासरिया सुरु, फाता या फताहू, ठीक है, इजाराबा या जरीबू, आखिर में पेश आता है, लेकिन यहाँ इसके आखिर में जबर है, इसकी वजह अन है, तो ये कैसे है ये आगे चल रहा पड़ेंगे। वासला यासिलु, सिल, वासिलुन, मौसूलुन और सूल। अल्हम्दुलिल्लाह ये अफाल हमने सीखे हैं कि आज की आयत में आने वाले सेहतमंद हरूफ वाले अफाल और कमजोर हरूफ वाले अफाल भी हमने सीखे। इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स टू सफ़ा नंबर 4 इशारा सी। आज के ग्रामर का लेसन में हम अफाल का यादा करेंगे, इससे पहले जो हम अफाल पढ़ चुके हैं।
नसारा और जराबा, नसारा और जराबा का पैटर्न हमने सीखा है। अब इसी के स्टाइल पर आने वाले जो अफाल उनका हम आज अदा करेंगे, जैसा कि हमने सबका क्लास के अंदर दो तरह के अफाल का अदा किया था, उसमें हमने नसारा से कुछ थे और कुछ हमने फतह वगैरह से कुछ अदा किया था। आज हम देखेंगे नसारा। तो ग्रामर की जो स्लाइड होती है उसमें हम देखते हैं कि ये चार तरह के पैटर्न हमने देखे, फतह, नसारा, जराबा, समिया। इसमें हमने कमजोर अफाल पढ़े थे, जोर फाल में देखें वहावा, वादा, कौला, ज़ादा, दा, हदा, सन्ना और ज़ल्ला। ये बेसिक का फाल हमने सीखे हैं कमजोर अफाल कोर्स टू में। इसमें हमने ये बात भी की थी कि जैसे कमजोर अफाल हरूफ वाले अफाल ये भी तकरीबन 9000 दफा आते हैं और इतने ही सैकड़ों अफाल भी आते हैं। गोया के हर एक लाइन में कमजोर और एक लाइन में तकरीबन सैकड़ों हर फिर भी आते हैं। आइए सीखते हैं इसको। आज हमने सीखना है नसारा। नसारा के स्टाइल पर आने वाले अफाल बहुत ही आसान है। इसमें नसारा यंसुरु, उनसुर, नासिर, मंसूर और नसर। हमने साथ साथ ये जो तादाद है ये भी थोड़ा सा गौर करना है इस पर कि ये तादाद जो लिखी हुई है ये कि नसारा कितनी दफा आता है। तकरीबन जो नसारा का पैटर्न है, नसारा का जो मादा हमने पढ़ा, इस मादा से मुख्तलिफ शेप में अफाल जो है पुराने पाक में इस्तेमाल होते हैं। तो नसारा यंसुर, उनसुर, नासिर, मंसूर और नसर। इज़ा जाअ नसरुल्लाह वहां पे हम लिए इसके बाद दूसरा काफारा। अब काफारा ये भी नसारा की तरह है। काफारा यकफुरु, कुफुर, काफिर, मकफूर और कुफर। इसके काफारा के हमने कुछ मानी पढ़े थे। एक तो हमें काफारा पढ़ा के काफारा कुफर के कहते हैं, उसने इनकार किया, काफारा उसने नाशुक्री की, काफारा उसने कुफर किया, कुफर किया, नाशुक्री की, इनकार किया। ये हमने इसके बेसिक दो तीन माना पड़े। इसके बाद शारा, शारा या शुरू उशर, शायर। ये यहाँ पर यह है शारा या शुरू, यानी ये शुरू से है। एक होता है उर्दू में जो हम शायर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो और चीज है, वो और पैटर्न है, ठीक है। तो ये शारा या शुरू जो है ये आता है बाब नसारा से। यशुरु कुशुर, शायर, मशहूर और शूर। शूर जब मस्तर होता है तो इसका मतलब होता है शऊर रखना, ठीक है। वहम ला यशुरून, हमने पोस्टू में ये आयत पढ़ी है। सादा का यासुक उस्तुक, सादिक, मस्दूक और सिद्क। ये भी नसारा का पैटर्न है। सादा का उसने सच बोला, यस्तु को सच बोलता है उसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेल जो है उनके कलर चेंज है और जो जो इसम है ब्लू कलर उनको दिया गया है, सादिकुन, मस्दूकुन और सिद्कुन। इसका आखिर में जो तनवीन दी गई, तनवीन दो जबर की भी हो सकती है, दो जेर की भी है, दो पेश की भी हो सकती है। इसके बाद फासा का यफसुक उफसुक, फासिक, डैश और फिसिक। फासिक, डैश और फासिकुन फिर से करने वाला और डैश में है इसका सब बोलने की इस्तेमाल होता और फिस्क कहते हैं फिस्क करना। वमा युदुल भी इल्ल फासिकीन, हमने पिछले सबक में यह आयत पढ़ी थी। कातामा यक्तुम, कातामा उसने छुपाया, कातामा यक्तुम, उक्तुम, कातिमुन, मक्तूमुन, कितमान। कितमान कहना हमने लफ्ज पढ़ा होगा, कितमान हक, आपको छुपाना। माने हक का मतलब क्या है, आपको छुपाना। ये जुमला आमतौर पे उर्दू में बोला जाता है। वमा कुंतुम तक्तुमून, वमा कुंतुम तक्तुमून, कातामा यक्तुम, छुपाना। तो अब आप देखिए कि नसारा के पैटर्न पे हमने कितने अफाल पढ़ लिए। ये कुछ अफाल ऐसे थे जो हमने इससे पिछले लेसन में पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा खाला का ये फतह से फाला, जाला, खदा, जहाबा और फतह पढ़े थे। इस पर हम नसारा के हमने खलाका, आबादा, जकारा, शकारा, दखला, हसदा, अकला, अमारा, तराका, अखजा, खलदा, रजका, सजदा और सकला। यहाँ तक हमने अफाल नसारा के पैटर्न पर से पिछले सबक हमने पढ़े और आखिरी जो लाइन नजर आ रही है इसके हमने ये पांच अफाल हैं, काफारा, शारा, सदका,
फासला था और काता था, यह हमने नासरा के पैटर्न पर हमने आज की रस्म में कवर। तो आप देखेंगे नासरा का पैटर्न पे बहुत सारे अखबार आ सकते हैं जिनका ये पैटर्न होगा और ये शेप में ये इस्तेमाल हुए हैं, कहीं माजी के में, कहीं मुजारे में, कहीं वाहिद, कहीं जमा, कहीं मुअन्नस, कहीं मुज़क्कर, इस्तेमाल में। इंशाल्लाह जब हम तिलावत करेंगे हमें बहुत सारे अखबार समझ आ जाएंगे कि इनका माना क्या है। तो इससे इंशाल्लाह हमारी जो वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा इजाफा हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। हम जब भी तिलावत करें या सुने हम थोड़ा सा गौर कर लिया करें तो इंशाल्लाह हमारे ये जो पढ़े हुए लेसन है इनका हमें जो फायदा है वो हमें वहां पर नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो कुरान पाक में इतने अफाल हमने देखे हैं जो कुरान पाक 3800 अफवाह है, ठीक है जी, 190 अफाल। तो अब साथ साथ देखेंगे इंशाल्लाह और भी पैटर्न हम सीखते जाएंगे। तो नसरा के पैटर्न पर आने वाले अफाल हमने सीखे, ये अब तक वो अफाल हम सीख रहे हैं जो कि सेहतमंद हरूफ वाले हैं, आगे इंशाल्लाह जो तो उनके भी पैटर्न आएंगे। इसके बाद ज़ाराबा, ज़ाराबा का पैटर्न हम देखें, ज़ाराबा पे भी बहुत सारे अफाल आते हैं, ज़ाराबा, यज़रिब, इज़रिब। बेसिकली ये जो चारों पैटर्न हैं हमने कोर्स वन में कवर किए हुए हैं, लेकिन अभी कोर्स टू में बेसिक हमने इस इन पे आने वाले जो खूबसूरत अफाल के हैं वो हमने पढ़े हैं। अब अभी के जो लेसन हम चल रहे हैं हमारे मिड क्विज के बाद के, इसमें हम देख रहे हैं कि इन्हीं पैटर्न पर और कौन कौन से अफाल आते हैं। काफ़ी हद तक का तो हम कवर कर रहे हैं, तो इसके अलावा और बहुत सारे भी आ सकते हैं। तो आप जब तलावत करेंगे इंशाल्लाह आपको इसमें समझ आ जाएगा। तो ज़ाराबा, यज़रिब, इज़रिब, ज़ारिब, मज़रूब और ज़र्ब। ज़ाराबा का हमने माना देखा है, उसने मारा, ये भी है। एक जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ी थी बात, जब हमने इशारा पढ़ा था ना मच्छर के मिसाल, ये जो चौथा सफ़ा है इसका इशारा हमने पढ़ा, दूसरा इशारा मच्छर के मिसाल, उसमें यह आती इन नम्बा लायस्ता है, ये बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता है आई यज़रिबा को बयान करे मिसाल बयान है। तो यह ज़ाराबा का माना बयान करना भी है, ज़ाराबा का माना मारना भी है, और ज़ाराबा का माना चलना भी आता है, किसी जगह पर भी आ जाएगा। इस तरह से राजा, राजा यरजीउ, ये भी ज़ाराबा के पैटर्न पर आता है। रजा वो लौटा, राजा वो लौटा, ठीक है, राजा यरजीउ, इरजे, राजीउ, डैश और रुजू करना, लौटा, कहते हैं ना कि उर्दू में उसने रुजू कर लिया, उसने अपने बात से रुजू कर लिया, उर्दू में हम इस्तेमाल भी करते हैं, मतलब ये होता है कि उसने अपने जो बात की थी उससे रजू कर लिया, ये नहीं कि उससे उसने माफ कर लिया कि मैंने ये गलती से मेरे से ये बात निकल गए थे, मैंने बात की मामला ये लौटना। ज़ालमा या ज़लीम, ज़ालमा का मतलब है जुल्म करना, ज़ालमा उसने जुल्म किया, ज़ालमा या ज़लीम, इज़लिम, ज़ालिम, मज़लूम, ज़ुल्म। तो ज़ुल्म से है, हम इसके माना जानते भी हैं, ज़ालिम मज़लूम इस्तेमाल होता रहता है। फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, नेक्स्ट आने वाली जो आयात है जिसमें आएगा, बल्कि हमने ये पढ़ी भी है कुछ दुआएं, कौसना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना, कैसी है दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ خاسرین ہے, لیکن یہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, یہ بھی آیت ہے قرآن پاک میں۔ بہرحال مالک یملک, مالک وہ مالک ہوا, مالک مالک ہوا, مالک یملک, املک, مالک, مملوک اور ملک, یہ ذرابہ کا پیٹرن ہے, ہم نے اس کو دیکھا کہ ज़ाराबा की तरह ही इसका साउंड भी आता है। तो मालिक यौमिद्दीन हमने, अब मालिक जो है हम देख रहे हैं कि इसम फाइल का सीगा है, मालिक क्या है, इसम फाइल है, और ये लिखने में ऐसे भी आता है जैसा यहाँ पे मैंने सर्कल किया, और जैसे ऐसे भी लिखा जाता है जैसा कि यहाँ पर रेफरेंस आयत में लिखा, रेफरेंस जो साल ना मालिक यौमिद्दीन, तो अलिफ साहब भी इसको लिख सकते हैं, मीम के बाद अलिफ लगा लें या मीम के ऊपर जो है वो खड़ा जबर लगा लें, तो दोनों तरह लिखा जा सकता है, दोनों तरह इसको मालिक ही पढ़ेंगे। मालिक यौमिद्दीन का क्या मतलब पढ़ा था,
बदले के दिन का मालिक। तो मालिक इस अखबार का सीगा है जो कि बाब दोराबा से आता है, मालका यमलिकु इमलिक मालिक। इस पर काजाबा यकजिब, काजाबा का मतलब क्या है, उसने झूठ बोला, काजाबा उसने झूठ बोला, काजाबा यकजिबु इकजिब काजिबुन मकजूबुन काजिबुन काजिबुन इसका मतलब इस्तेमाल होता है कानू यकजिबून, वो झूठ बोला करते थे। इकान यकजिबून, हमने याद है इस तरह का एक कंसर्ट पढ़ा था माजी इस्तमरारी का, पास्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा था, और इसमें यकजिबून आना के फेल मुजारे है, लेकिन इसके साथ जब काना आएगा माजी की शक्ल में तो उसका तर्जमा माजी वाला होगा, मुजारे का तर्जमा माजी वाला होगा, काना काना यकजिबु या कानू यकजिबूना, ठीक है। तो ये कानू यकजिबून जो है एग्जाम्पल बनती है पास्ट कंटिन्यूस। इस तरह से कादारा यकदिरु, कादारा यकदिरु ये भी ज़रा बयाज़ुब की तरह है, कादारा वो कादिर हुआ, उसने कुदरत पाई या वो कादिर हुआ, कादारा यकदिरु यकदिर कादिर और कदीर, ये दोनों तरह के इस्म फाइल इस्तेमाल होता है, कादिर कुदरत रखने वाला और कदीर भी इस्तेमाल होता है। ये कदीर का जो साउंड है ना हमने पढ़ा है बोस्तान में भी, करीम ये रहीम ये इसी का साउंड आता है। तो इस्म फाइल के जो औजान हैं हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, इसमें फाइल के अलावा भी इसके साउंड आते हैं, ठीक है। कदीर इसको भी कहते हैं कादिर होना, कादिर होने वाला, कुदरत रखने वाला, कदीर कुदरत रखने वाला, इसका तर्जमा भी ये आता है, और कादिर का तर्जमा भी कुदरत रखने वाला। मकदूर जिसका कादिर हुआ और कदर कादिर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये रेफरेंस जुमले अगर हम याद रखेंगे तो इंशाल्लाह हमें इससे भी बहुत फायदा होगा इन अफाल के माना को याद रखने में। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप अब तक फातहा से नासरा से और ज़राबा से आने वाले बहुत सारे अफाल सीखे हैं, ज़राबा से राजा सलामा मलका कज़बा कदर। तो अगर उनका हम हिसाब लगाए तो ये बहुत सारे अफाल हमने अभी जो 6 अफाल सीखे हैं ये कुरान पाक में 636 बार आए, तो अब तक हमने जितने भी अफाल सीखे हैं ये 115 अफाल ऐसे हैं जो कुरान पाक में 1750 बार आए, जो कि सब के सब ज़राबा के स्टाइल में हैं। तो आप देखें अभी हमने 6 अफाल सीखे हैं जो 636 दफ़ा आए हैं, तो 115 अफाल और भी हैं जो ज़राबा के स्टाइल बनाते हैं। इस अंदाजा लगाएं कि एक स्टाइल हमने सीखा है ज़राबा का, तो ज़राबा का सोना हमने सीख लिया, उस पर आने वाले बहुत सारे अफार हम जान लेंगे का तर्जुमा भी क्या है और उनका बाप भी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इतना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करने का है। आइए इन अफार को हम अरबी बोलचाल में देखते हैं, बहुत ही ईजी है। अरबी बोलचाल में काफारा हल कफर था नाम मा का फर्द, ये नाम नहीं, यहाँ पे हल्का फरा बना इनकार करना ना शिक्री करना कुफर करना, उसका नफी में इसका जवाब नहीं, पॉजिटिव आंसर नहीं होगा, मा का फर्द तू मैंने कुफर नहीं किया, मैंने इनकार नहीं किया, मैंने शिक्री नहीं किया। हल्का फर्द तुम, तो यहाँ पर भी मा का इस्तेमाल होगा चूंकि माजी है और माजी में निगेट करने के लिए मा का इस्तेमाल होता है। मा कफर ना, मा कफर ना, हम सब ने कुफर नहीं, हल तक फुरू ये मजारे आ गया है, तो यहाँ मजारे के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ला का इस्तेमाल करेंगे, ला अब फुरू मैंने कुफर नहीं किया, हल तक फुरू ना ला नक फुरू, ला ला नक फुरू मैंने हम सब ने कुफर नहीं किया, हल ला तक फुर यहाँ पर नहीं आया है, मना किया जा रहा है, ला तकफुर मत कुफर कर, तू मत कुफर कर, तो ला अकफुर इसका भी मुजारे से जवाब आएगा, क्योंकि फेल अमर हो या फेल नहीं हो इन दोनों का आंसर फेल मुजारे से आता है, तो अमर हो तो इसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, जैसे हम फिर उसमें मा या ला कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, नाम भी नहीं लगाने की जरूरत है, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर हमें ला लगाना पड़ेगा, चूंकि ला मुजारे के साथ लगता है तो यहाँ पर भी नहीं के आंसर में भी हमें ला लगाना पड़ेगा, ला अकफुरु मैं कुफर नहीं करता हूँ, नहीं करूँ,
ला तकफुरू तुम सब कुफर ना करो, ला नकफुरू हम सब कुफर नहीं करें। अरबी बोलता है सदका से हल सदकता नाम सदकतू, ता का जवाब तू से और तुम का जवाब ना से, ये हमें याद रखना है। हमने इसको अरबी बोलचाल हमने जो तरीका है इसका कोर्स वन से हम सीखते आ रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे कविता में इजाफा करने का ये बहुत अच्छा जरिया है। अफाल जो भी हम पढ़ें उन अफाल को हम इसमें इस्तेमाल कर लें, अरबी बोल चाल में इंशाल्लाह हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। हल सदक तुम नाम सदकना, हल तस्तुकु नाम अस्तुकु, ये तस्तुकु फिर मुजारे है इसका अस्तुकु से आंसर आएगा। हल तस्तुकु नाम नस्तुकु, उस दुख यहाँ फिर अमर क्या है उस दुख अनसुर की तरह नासरा का पैटर्न है उस दुख आएगा अनसुर। वो अस्तुकु मैं सच बोलता हूँ, सदक का मैंने सच, उस दुकु तुम सब सच बोलो क्या आंसर आएगा नस्तुकु हम सब सच। हल तशुरु क्या तो शुरू रखता है, ये डायरेक्टली माजी के बजाय यहाँ पर फेल गुजारे हैं। नाम अशुरु ये मैं शुरू रखता हूँ, हल तशुरु ना नाम नशुरु यहाँ पर फेल गुजारे में जमा का सिखाएगा। मुनाफिकीन के बारे में बोला जा रहा है फासिक, चूंकि मुनाफिकीन फासिकीन भी हैं इसलिए उनका हल फासिक क्या उन्होंने फिसक किया, नाम फसकू जी हाँ हम सब ने फिसक किया। अल यफसकूना क्या वो फिसक करते हैं, नाम यफसकूना जी हाँ वो फिसक करते हैं। याद रखिए ये जो फासा का यफसुक है ये हमने पढ़ा था यफसकूना, फासा का यफसकू ये नसा का पैटर्न है ठीक है। हल जुलमता मा जुलमतु, जुल्म करना अच्छा अमल नहीं है इसलिए हम इसको निगेट करते हैं। मा जुलमतु मैंने जुल्म नहीं किया, अल जुलमतु क्या आप सब ने जुल्म किया, हम सब ने जुल्म नहीं किया। हल तज़लिमु क्या आप जुल्म करते हो, ला यहाँ पर गुजारे हैं तो ला के साथ निगेट करेंगे, ला अज़लिमु, ला अज़लिमु गुजारे का इशारा होगा सिंगल के साथ। और हल तज़लिमु ना क्या आप सब जुल्म करते हैं, ला नज़लिमु, ला तज़लिमु, ला अज़लिमु, ला तज़लिमु मतलब क्या है जुल्म मत कर, ला अज़लिमु मैं जुल्म नहीं करता हूँ, ला तज़लिमु सब जुल्म मत करो, ला नज़लिमु हम सब जुल्म नहीं करेंगे। अरे बहुत सारे में कज़बा है, हल कज़बता क्या तूने झूठ बोला, इसमें भी निगेट करें, इसमें भी नहीं के साथ आंसर है मा कज़बतु, क्योंकि मा का इस्तेमाल होगा माजी के साथ, मा कज़बतु मैंने झूठ नहीं बोला। हल कज़बतुम क्या आप सबने झूठ बोला, मा कज़बना हम सबने झूठ नहीं बोला। हल तकज़िबु क्या आप झूठ बोलते हो, ला अकज़िबु जी मैं झूठ नहीं बोलता, ला अकज़िबु झूठ नहीं। हल तकज़िबूना क्या आप सब झूठ बोलते हैं, ला नकज़िबु हम सब झूठ नहीं। ला तकज़िब तू मत झूठ बोल, ला अकज़िबु हम मैं झूठ नहीं बोलता, ला अकज़िबु नहीं बोलूंगा ठीक है। क्योंकि मुज़ारे का जो जवाब है मुज़ारे का जो माना होता है इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना था, नहीं बोलता हूँ या नहीं। ला तकज़िबु तुम सब मत झूठ बोलो, ला नकज़िबु हम सब झूठ नहीं बोलेंगे। अरबी बोलचाल में हल तरजिउ इलल्लाह रजा अरबी से है, हल तरजिउ इलल्लाह क्या वो अल्लाह की तरफ लौटता है, तरजिउ आप क्या तो अल्लाह की तरफ लौटता है, नाम अरजिउ इलल्लाह, अरजिउ इलल्लाह जी हाँ अल्लाह की तरफ। हल तरजिउन इलल्लाह क्या आप सब अल्लाह की तरफ लौटते हो, नाम नरजिउ इलल्लाह, तो तरजिउन का जवाब नरजिउ से होगा जमा का सीगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आने वाले जो अफ़ाल हमने सीखे हैं नासरा से या दरबा से उनकी हमने प्रैक्टिस की है, ये वही अफ़ाल हैं जो हम इनके पैटर्न हम कोर्स वन से सीखते आ रहे हैं। अभी हमने उसका इयादा किया है, आज के लेसन में हमने इनका सिर्फ इयादा किया है और हमने ये पहचाना है कि फ़ाताहा और नासरा ज़रबा वगैरह जो अफ़ाल हैं जो पैटर्न हैं इनके अंदर और भी बहुत सारे अफ़ाल आते हैं जो इसके अलावा भी हैं।
ठीक है, तो आज के लिहाज से हमने अदा किया। इनको हमने वर्कबुक में भी ऐसे ही लिखना है, इनका फेल माजी, मुजारे, फेल अमर, इसी तरह से मसलन लिखा हुआ है, हमने सिर्फ उसका तर्जमा लिख देना है, करना है। अगर उसको वहां लिखा हुआ है वर्कबुक में अगर माजी का तर्जमा करें तो माजी का तर्जमा भी हम कर सकते हैं, माजी में नासर है उसने मदद की। अगर बोला है कि मसल का तर्जमा लिखें तो नसरुन करना, ठीक है, क्योंकि उर्दू में मसल का तर्जमा ये होता है ना कि करना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सारे के सारे जिसमें नून अल्फ़ आता है ये मसल कहलाते हैं। और इस तरह से दो पेज हैं वहां पर ज्यादा अफाल हैं जो हमने देखे, ज़ारा बस आने वाले अफाल भी और नसर से आने वाले पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है वो मुकम्मल हुआ, इसमें हमने कवर किया लेसन नंबर 4C। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफा नंबर 4 इशारा डी। आज के सबक में आप सबको खुशामदीद। कोर्स 2 में हमने मुसहफ से पहले 5 सफात पढ़ने हैं। पहले सफ़े में सूरह फातिहा शुरू की, उसके बाद सूरह बकरा और हिदायत का मज़मून हमने सीखा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जो सफात हैं उन सबके नेक्स्ट कोर्स में उससे भी और यहाँ पर तस्करा था मुत्तकीन, काफिन और मुनाफिकीन, ये तीन तरह के ग्रोह का तस्करा हुआ, यानी कि वो लोग जो हिदायत के अहल हैं जैसे कि मुत्तकीन, और वो लोग जो हिदायत के अहल नहीं हैं जैसे कि काफिन और मुनाफिकीन। और फिर कुरान की दावत और आसम के कुरान का चैलेंज भी हुआ और शुरू होगा। सबसे पहले इंसान थे जो जिनको हिदायत दी गई, तो कोर्स 2 के जो 5 सफ़ात हैं उनको अपने दाएं हाथ की फिंगर टिप्स पर हम सीखेंगे। कोर्स 2 में हम दाएं हाथ इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कोर्स में हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमारा चौथा सफ़ा है, चौथे सफ़े के इशारात हमारा देखते हैं वईद और बिशारत, अक्षर के मिसाल, गुमराह कौन, ऊपर कैसे, गुमराह कौन, ये जो तीसरा इशारा हमने अभी कवर किया उससे यह बताया गया कि जो गुमराह है वो कौन से लोग हैं, उनकी क्या क्या निशानियाँ हैं हमने आज देखी है। आज का चौथा इशारा है कुफर कैसे। इससे पिछली आयात जो हमने पढ़ी उनमें कुरान की दावत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ उसी की इबादत करने का हुक्म दिया था कि तुम सब मेरी ही इबादत हो। जब इससे पिछले सफे में हमने ये बात पढ़ी थी कि कुरान की दावत दी गई है कि तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे लिए सारी नियमतें बनाई और तुम्हें रिजक दिया है, और तुमसे सिर्फ एक ही जो है वादा है और तुमसे एक ही मुतालबा है तुमसे कि तुम उसकी ही इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। ये पिछली जो आयात थी पिछले सफ़े की, सफ़ा नंबर 3 की आखिरी आयात, उसमें हमने ये बात पढ़ी। अब अल्लाह ताला उन चीज़ों को मुख्तलिफ असलूब और अंदाज के अंदर बयान कर रहा है, ठीक है, तो वो उसलूक और अंदाज हम देखते आ रहे हैं कि इस चौथा सफ़र था इसके अंदर बताया गया कुरान की वईद और बशारत बताएगी कि जो अल्लाह की इबादत करेंगे, जो ईमान लाएंगे, नेक अमाल करेंगे उनके लिए जन्नत है, और जो नेक अमाल नहीं करेंगे, जो उसका इनकार करेंगे के लिए जहन्नम है। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों को समझाने के लिए मुख्तलिफ मिसालें बयान की थी, उसमें मच्छर की मिसाल बयान की गई, तो उसके वाले से भी ताकि जो लोग ईमान लाते हैं वो समझते हैं कि हम ये अल्लाह ताला की तरफ से हक है, और ये हमें समझाने के लिए बयान की गई है मिसालें। लेकिन जो इनकार करने वाले लोग हैं उसको समझते हैं कि वो मजाक उड़ाते हैं और उसको वो अच्छा नहीं समझते। तो अल्लाह ताला उसी से आगे तसलसल फिर हुआ कि अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये जो कुरान ये जो आयात है अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इसके वजह से गुमराह भी करते हैं, जो उसको मान जाते हैं वो हिदायत याफ्ता हो जाते हैं, और उसको और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन आयात को इस पेराए में देखते हैं कि इसकी कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए, हर चीज़ को जो लॉजिकली चेक करते हैं, हर चीज़ को जो लॉजिकली परखते हैं, वो लोग हमेशा फिर गुमराह ही होते हैं। अगर फिर उनकी गुमराह में जो फासिकीन उनकी
सिफारशीन करते कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो आज का जो इशारा है उसमें भी हम इस तरह की चीज को देखेंगे, कई फतह फूल और कुफर कैसे, ये इशारा है आज का। तो आज की जो आयात है उसके अंदर असबाक बड़े अहम है कि हम अल्लाह ताला के साथ कुफर नहीं कर सकते, उसका कुफर नहीं कर सकते यानी उसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीना मरना और हमारा दोबारा उठना जीकर ये सब अल्लाह ही के हाथ में, इसलिए हम उसका इनकार नहीं कर सकते और हमें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। और क्योंकि हमारी जिंदगी जो है, जितनी भी जिंदगी है उसके जितने भी हमें आराम और सहूलियात हमें मयसर हैं वो सब के सब अल्लाह ताला की तरफ से ही दी गई हैं, उसमें हमारा कुछ भी इख्तियार नहीं है। और अल्लाह ताला को चूंकि हर चीज़ का इल्म भी है और हमारे जो भी हम काम करते हैं या करने वाले होते हैं, हमारी जो अभी तक बात जहन में होती है, सोच में होती है, अल्लाह ताला उस चीज़ को भी जानते हैं। लिहाजा इन सारी चीज़ों को अगर हम गौर करें तो इन सब चीज़ों के होते हुए हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते। आइए आप देखते हैं इनको, इन आयात को, बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हर सफ़े में तीन या उससे कम नए अल्फाज है औसतन, इंशाल्लाह हम जब इसको सीखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तर्जुमा अशारा देखने से पहले आज के सबक की पहली आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون؟ كيف أنا كيسي؟ How كيسي؟ तकफुरूना बिल्लाही, ये पहला जो फ्रेज है, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। बिल्ला बाग मन है, बाग मन ऐसे साथ होता है, लेकिन हमने कोसवान में ये बात पढ़ी थी कि जो हरूफ होते हैं इनके माना हर लैंग्वेज में चेंज होते हैं। बाग मन अरबी में साथ है, लेकिन यहाँ पर उर्दू में इसका तर्जमा का हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा बिस्मिल्ला ही अल्लाह के नाम से, कैफ तकफुरूना बिल्लाह, अब तकफुरूना जो है ये फेल है, काफारा यकफुरु, काफारा यकफुरु, और उसके बाद है यकफुरूना, तकफुरु के बाद है तकफुरूना, ये जमा का इशारा है, कैसे तुम इनकार करते हो बिल्लाही अल्लाह का, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। वकुंतुम अमवात, ये जो वाव है इसका तर्जमा हम जानते हैं, और वाव का तर्जमा और भी आता है, और वाव कभी कभी हाल के लिए भी इस्तेमाल होती है, हालांकि वाक माना है हालांकि, कुंतुम अमवात, कुंतुम तुम थे, काना का हमने जब टेबल पढ़ा काना यकून तो उसमें था काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम, ये फिर मासी में जमा कर सकेगा मुखातब का, कुंतुम तुम थे, कुंतुम तुम थे, अमवातन बेजान, अमवातन बेजान थे, अमवात मौत की जमा है, और कुंतुम काना से फिर मासी में से फिर आह्याकुम, ये तीन टुकड़े हैं, फा आह्याकुम, फा का तर्जमा हम जानते हैं फिर, और कुम का तर्जमा भी हम जानते हैं ये जमा करिए, लेकिन दरमियान में ये जो आह्या है, आह्या ये वाला सीगा है फिल माजी में, पहला सीगा जो होता है फिल माजी में, पहला सीगा है, इसके तर्जमे से हमें इतना तो पता चल रहा है कि इसका तर्जमा जिंदा करना, लेकिन ये जो पैटर्न है ये हमने अभी नहीं पढ़ा, ये पैटर्न इंशाल्लाह हम कोर्स फ्री में डाकर पढ़ेंगे, ये वही पैटर्न है जिसकी हमने लास्ट लेसन में बात की थी, पेश वाले गुजारे आते हैं उस तरह का पैटर्न है, ये इंशाल्लाह हम कोर्स फ्री में कवर करेंगे। तो यहाँ तक इतना याद रखें कि ये तीन टुकड़े हैं, फा आहिया और कुम, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, उसने जिंदा किया तुम्हें, ये माजी का सीगा है और ये पहला सीगा माजी का है जो हुआ की जगह पर आता है, आहिया उसने जिंदा किया तुम्हें, सुम्मा फिर युमीतुकुम, सुम्मा युमीतुकुम, ये युमीतुकुम ये भी दो टुकड़े हैं, कुम तो हम जानते हैं कुम का तर्जमा क्या है, और युमीतु वो मौत देगा, वो मौत देगा, एक हमने फिर पढ़ा था काला यकूलू की तरह माता यमूतु, माता माता फिर माजी था, और यमूतु ये फिर मुजारे हमने पढ़ा था काला की तरह, काला यकूलू
माता यमूत, यह यूमीत, ये इसके जो रूट वर्ड्स हैं ये रूट वर्ड्स इसके वही हैं, मीम वाव ता ही है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो चेंज है, इसका पैटर्न पोस्ट टू वाला नहीं है जो हमने पोस्ट टू में पढ़ रहे हैं, दासरा पाता हजारा बासा में ये वाला पैटर्न नहीं है, इसका पैटर्न हम पढ़ेंगे पोस्ट थ्री में। ये भी है मुजारे का सीखा ही है, पहला मुजारे का पहला सीखा ही है जैसे माता या मोतू था, ये भी उसी की जगह पर आता है जब जो मीत आता है, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, ये हम पोस्ट टू में पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखें आपको नजर आ रहा है कि ये मुजारे है पेश वाला, ये भी हम इच्छा दबाव सुम्मा फिर युह जी कुम, ये भी युमीतु की तरह ही हम देख लें कि जैसे युमीतु मैंने बताया नेक्स्ट आएगा इसका पैटर्न, और ये मुजारे का पहला सीगा है, युह जी ये भी मुजारे का पहला ही सीगा है, इसमें वो दोबारा जिंदा करेगा, वो दोबारा जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊ, अब देखिये दो बातें हैं, ये पूरा फ्रेज इसको हम देखें, सुम्मा युमीतु कुम सुम्मा युह जी, फिर वो तुम्हें मौत देगा फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। तो जब कुल तुम अमवात, जब पहले कह रहा कि तुम मुर्दा थे बेजान थे तो तुम्हें वो उसने जिंदा किया, फिर तुम मौत देगा फिर जिंदा करेगा, इसलिए ये दोबारा का तर्जुमा इसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है। सुम्मा युही सुम्मा इलैही, सुम्मा फिर इलैही उसकी तरफ, इलैही उसी की तरफ, इला और ही ये दो टुकड़े हैं, फिर उसी की तरह तुरजाऊन तुम लुटाए जाओगे, तुम लुटाए जाओगे। अब ये जो तुरजाऊन है ये फेल तो हमें नजर आ रहा है कि तकरीबन ये फेल ही है, इसकी शेप फेल जैसी लग रही है, लेकिन ये कौन सा है फेल का सीगा कौन सा है, तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो राजिऊन किसे आता है, राजा यरजिउ इरजे राजिऊन राजिऊन, ये जमा का सीगा आ जाता है यहाँ पर, एक आता है राजा यरजिउ यरजिउना, ये जैसे ओम्यून फॉर्मला यरजिउ, ओम्यून फॉर्मला यरजिउन हमने ये आयत पढ़ी है। तुरजाऊन ये भी इसी ही मादा से है, मादा इसका भी रा जीम और आइन है, ठीक है, अगर हम ये पढ़ें यरजिउ यरजिउना तरजिउ अरजिउ तरजिउना तरजिउना, जो है ये फेल मुजारे में मुखातब का सीगा जमा का तरजिउ, उसी से तुरजाऊन, तो तुरजाऊन जो है ये उससे वो कंसेप्ट हम जो इस कोर्स टू के आखिरी लेसन में पढ़ेंगे पैसिव वाइज, ये वो वाला कंसेप्ट है तुरजाऊन, तुम लुटाए जाओगे, तुम लुटाए जाओगे, पैसिव वाइज बेसिकली कहते हैं उसको जिसका जिस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो मालूम ना हो, पर इसके डिटेल इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के आखिरी लेसन में, तुरजाऊन तुम लुटाए जाओगे, तुम सब लुटाए जाओगे, कई फतक पूर्णा कि तुम खाक थे, कैसे थे तुम, बिल्कुल इंसान किस तरह की जिंदगी किस तरह की शेप में था इंसान पैदाइश से पहले, वो उसके जरात की शेप में था, अल्लाह ताला ने जमा किया और फिर इस तरह से इंसान बनाया, उसको हम कहते हैं मैयत, अरबी ज़बान में बोला था मैयत, तुम बेजान थे, तुम्हें कुछ भी तुम्हारे अंदर जान नहीं थी, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया दोबारा से, पहली दफा अल्लाह ने जिंदगी दी, तो मुख्तलिफ चीजों से थे उसमें अल्लाह ने जमा करके आया बनाने के बाद तुम्हें जिंदा की, तुम्हें जिंदगी अदा की, तो सिर्फ अल्लाह जानता है कि हम कब क्या और कैसे मरेंगे, ठीक है, और फिर जिंदगी जब है ये जैसे कभी हम जिंदा हैं तो इसके बाद दोबारा बहुत आएगी, जब दोबारा मर जाएंगे उसके बाद दोबारा से फिर जिंदा करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे कि लज़्ज़तों को काटने वाली ये मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करते रहो, बड़ी अहम बात है कि लज़्ज़तों को काटती है, जब इंसान मौत को याद करेगा तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि हमने एक ना एक अल्लाह के पास जाना है, हमने इस दुनिया आने से जाना है और हमने एक दिन मरना है, तो मौत को जब याद रखेंगे तो बहुत सारे जो हमारे अमाल हैं वो दुरुस्त होंगे, हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जीना और मरना अल्लाह की ही के हाथ में है,
जब इन आयात से मैं ये पता चलता है कि अल्लाह ताला के ही हाथ में हमारा जीना और मरना, शुरू में हमें अल्लाह ने जिंदगी दी या मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा क़यामत के दिन, तो ये अल्लाह के ही इख्तियार में है, लिहाजा हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते। हमें और अल्लाह की तरफ ही हमें लौट कर जाना है, इसलिए इस मामले में हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। हम खामखा हर मामले में अल्लाह ताला का इनकार करते रहे और अल्लाह ताला के अहकाम को ना माने, ये हम नहीं कर सकते हैं। इतनी लापरवाही हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वक़्त अल्लाह ने दिया है हमें, ये आखिर की तैयारी के लिए मिसक दिया है। हम इस भी उम्र में हैं, हमें अल्लाह को याद रखना है और आखिरत को याद रखना है। अल्लाह ताला आयत को दोबारा देखते हैं, कई फतकफुरूर बिल्लाही वकुंतुम अमवातन फहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैही तुरजऊन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक की पहली आयत हमने मुकम्मल की। दूसरी आयत औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी खलक़लकुम ما في الأرض جميعا ثم استوى السماء فسوّاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي अब अल्लाह ताला जो कि पिछली आयत में हमने पढ़ा के उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है, तो वो अल्लाह कैसी ज़ात है? अल्लाह ताला वो ज़ात है खलक़लकुम, जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया है। मा फिल अर्ज़ी, जो कुछ ज़मीन में है, मा जो कुछ फिल अर्ज़ी ज़मीन में है, जमीयन सब कुछ, सब का सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है ज़मीन में। सुम्मा फिर इस तवा वो मुतवज्जे हुआ, इला तरफ असमा, फिर वो मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ। इस तवा की हम इसको पढ़ लेंगे, ये फिल माजी का सीगा है लेकिन ये पैटर्न नहीं पड़ा हमें। इस तवा वो मुतवज्जे हुआ इला समाय आसमान का, पस सवा होना, ये है सवा, सवा होना, ये दो टुकड़े हैं, फा को साथ मिलाया तो तीन बनते हैं, फा सवा होना, फा सवा होना। ये होना जो है ये ऐसे ही है जैसे कि हमने पढ़ा था ना, हुआ हम, हुआ वो एक, हम वो सब, ठीक है। और इसी हम जो है ये आया था मुज़क्कर के लिए कि वो सब मर्द, इस तरह से ये हुन्ना जाना जैसे कि ये मोनस के लिए इस्तेमाल होता है जमा के लिए, ऐसे हम मुज़क्कर में जमा के लिए इस्तेमाल हुआ था, राइट हैंड सामने इशारा के जमा का हुआ के बाद हम, इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड पढ़ा था हिया, वो एक औरत, तो उससे उन्ना जमा, इंशाल्लाह ये जो जमायर है हम कोर्स फोर में जाकर ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मोनस की जमायर जो है बारह, वो सब पढ़ना वो बराबर कर दिया, सब आसमावात सात आसमान, सब आ कहते हैं सात को और समावात आसमान की जमा है, समा उनकी जमा है समावात सात आसमान को सात आसमान। यहाँ पर ये मोनस की जमीर इसलिए भी आई है कि ये जो समावात है ये मोनस का सीखा है, इसके लिए हुन्ना इस्तेमाल। बहरहाल सवा ये एक फेल है, ये भी अभी हमने पढ़ा नहीं है, पैटर्न इंशाल्लाह पढ़ लेंगे आगे। तो ये तीन टुकड़े हुए, सवा समावात सात आसमान, वह हुआ और वो बिकुल्ली हर चीज के शहीन, कुल्ली शहीन हर चीज को अलीम, अलीम जानने वाला है, हर चीज को जानने वाला है। ये देखिए अल्लाह ताला का कितना फजल है, और जब भी कोई चीज अल्लाह ताला बताते हैं या किसी को अमल करवाना है, कोई बात बतानी है, तो उससे अल्लाह ताला अपनी सिफात बयान करते हैं कि ये अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें ये दिया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें मौत देगा, जिसको तुम्हारा तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, वगैरह वगैरह जितने भी इस बात है अल्लाह ताला की बयान की गई है, ताकि इंसान कुछ जोड़ा जा रहा है कि तू सारी सिफात को याद रखो, जिसको तुम हर रोज अपनी जिंदगी में तुम नियमतों को इस्तेमाल करते हो कि अल्लाह की ही पैदा की गई है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ही पैदा की है, लिहाजा हमें अब तुम्हें सोच नहीं करती ये बात कि तुम अल्लाह का इनकार करो, अल्लाह ताला के अहकाम को ना मानो।
तो अल्लाह ताला का फजल करम है कि उसने हमारे लिए जमीन को बनाया और फिर उसके हमारी जरूरत की हर चीज पैदा की। मैं खूब मेहनत मोहब्बत के साथ उसका शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने खास हमारे लिए तमाम चीजें मुनासिब अंदाज में पैदा की। सोचिए अगर मिसाल के तौर पर ये सेब है, संतरे हैं, जो भी जो फ्रूट हैं, अगर ये बहुत बड़े बड़े होते हैं तो हम खा भी ना सकते और मुश्किल हो जाता, ठीक है। अल्लाह ताला ने वसी आसमान बनाया जिसमें करोड़ों सितारे हैं और उसके और अच्छे आसमान फिर पूरे साथ आसमान, ये सारे के सारे चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है और ये इसको कायनात को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है। तो इस पर अगर हम गौर करें तो हमें अल्लाह ताला की असमत का अंदाजा होगा और अल्लाह ताला की हैबत का अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला किस कदर अजीम जात है। तो हमें बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि इन सब चीजों को देखने के बाद और इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का हमें बहुत बिल्कुल शेन अलीम। और अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूकात जो भी उसने पैदा की है उनके हर हरकत से, हर ख्याल से वो वाकिफ है, हर चीज को खूब जानने वाला है। हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ी जमीअन थुम्मा इस्तवा इलस समाई फसवाहुन्न सबअ समावाति वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा देखिए इसका बा महावरा दोनों आयात का। तुम किस तरह अल्लाह का कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, फिर उसी के तहत तुम लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो जमीन में है सब का सब, फिर वो आसमान की तरफ बच्चे हुआ, फिर उनको ठीक बना दिया साथ आसमान और वो हर चीज को जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक की दोनों आयात हमने मुकम्मल की, कदरना और मुख्तसर देखी हमने। आई असबाक दुआ और प्रेयर्स देखते हैं। असबाक हम पहले देख चुके हैं, दोबारा इनको रिवाइज करते हैं। अल्लाह ताला ने अल्लाह के साथ कुफ्र नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारा जीना मरना दोबारा ईसा के साथ अल्लाह के इख्तियार में है और उसी की तरफ हमने मरने के बाद लौटना है। और ये भी हमें मालूम है कि हमें जिंदगी के अंदर जितनी भी सहूलियात मिली हैं, आरामदेह चीज़ें मिली हैं, वो अल्लाह की तरफ से ही है, उसने हमारा कोई इख्तियार नहीं है। और हर चीज का इल्म अल्लाह ताला को है, जो भी हम सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो भी हमारे ख्याल में आता है वो सब अल्लाह ताला जानते हैं। तो इन आयात को पढ़ने के बाद हमने क्या दुआ करनी है और दुआ के बाद अपना एहतसाब करना है। दुआ क्या है कि अल्लाह हमें अपने ईमान में ज़ाती की नीयत से तेरी मखलूक में गौर करने की तौफीक अता फरमा, हम गौर करें तेरी मखलूक में इस नज़रिए से करें कि हम हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो रहे हैं कि अल्लाह ताला कितनी कुदरत वाला है जिसने इस तरह की मखलूकात बनाई हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए। हमारे दिलों को अपनी अजमत से भर दें, जो ज़ाहिर बात अल्लाह की मखलूक को देखेंगे, अल्लाह ताला की निशानी को देखेंगे तो हमें बहुत सारी जो है चीज़ें नज़र आएंगी अल्लाह ताला की तरफ से और उसकी निशानी हमें नज़र आएंगी। तो अंदाज इनके का प्लान क्या करना है कि मैं आसमान और जमीन के पैदा किए जाने पर गौर करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी निशानी है। इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने जमीन बना दी और कैसे उसको पानी के ऊपर बिछा दिया, फिर इसको ऊपर रहने के लिए पहाड़ बना दिए और ऊपर आसमान बना दिया जिसमें रोशनियाँ हैं, चाहिए खूबसूरती कायनात, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। इन पर अल्लाह ताला मुझे गौर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आई अस्मा और अफाल देखते हैं आज की आयत में। अस्मा क्या है, अमवात, अमवात इसम है और मैयत इसकी वाहिद होती है। यहाँ पर अमवात जो है जमा इस्तेमाल हुआ है, अमवात मुर्दा बेजान। अर्जुन जमीन अराजी इसकी जमा आती है, समा आसमान जमा आती है, समावाद इस्तेमाल होती है और समावाद आगे इस्तेमाल भी है, समा समावाद साथ आसमान। शईन कोई शय चीज, अशिया उसकी जमा दी है अशिया, अशिया को दोनों शाम अपने रोजमर्रा के अंदर इस्तेमाल भी कर। इसके बाद हमने अफाल देख रहे हैं कौन से, जो इन चार पैटर्न फातहा नसर दरबार सामने कराते हैं। कौन से पैटर्न अपर आते हैं अफाल, जो कि सेहत मंदर ऊपर अफा है, तब फुरून राजा ने इसको रिवाइज भी किया था।
इसमें खाला का या खुलकू नसर यन सुलू, और उसके बाद कमजोर अफाल कुन तुम काना यकून हमने पढ़ा काला यकून की तरह। काना यकून का जो बाब है नसर है और ये काला की तरह था, यानी काला इसका कोड कहलाता है। काना यकून कुन काइन कैश कौन। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो कुरान का हिस्सा है वो मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स टू सफा नंबर चार इशारा डी। सफा नंबर चार चौथे सफ़े का आखिरी इशारा यानी चौथा इशारा आज हम ग्रामर का यादा कर रहे हैं। इसमें अब हमारे पास है सामिया, बहावा और वादा। सामिया पे हमें ये पता चल गया कि इससे पहले हमने जिन अफाल का यादा किया था एक पैटर्न था फतहा का, फिर नसरा का और फिर जराबा का, तीन हो चुके थे। अब चौथा पैटर्न है सामिया का, इसका यादा करेंगे, इस पर जो आने वाले अफाल हैं। फिर वहादा, वहाबा और वादा ये दोनों पैटर्न है मजोर अफाल के, इनका भी इंशाल्लाह आज यादा करेंगे। तो ग्रामर में हम ये वाली स्लाइड हमेशा देखते हैं जिसमें कमजोर हरूफ वाले अफाल में नजर आते हैं। आइए आज देखेंगे सामिया। सामिया ये चौथा पैटर्न है कोर्स टू में आने वाले अफाल का, इसमें जो सेहतमंद हरूफ वाले अफाल हैं उनको हम पहले यादा करेंगे। सामिया, सामिया यस माऊ, सामिया में माजी के अंदर सेकंड लास्ट वज़ीर होती है, सामिया यस माऊ उसने सुना। अब गौर करें कि सामिया जो है ये कुरान पाक में कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, मुख्तलिफ शेप में 147 टाइम। और इसमें हम देखते हैं कि समिया अल्लाह लिमन हमिदा मशहूर में पढ़ते हैं सामिया अल्लाह सुन लिया अल्लाह ने उस शख्स की तारीफ। तो ये रेफरेंस जुमले भी याद करेंगे इंशाल्लाह, इससे हमें अल्फाज के मानी को याद रखने में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। आलिम या आलम ये गौर करें कि 518 दफ़ा कुरान पाक में इस्तेमाल है। इंटरेस्टिंग, देखें आयन लाम मीम का जो मादा है, जब हमें ये पता चलता है आलिमा या आलम, देखें ये आता है बाब सामिया से भी, आगे बाब से भी आएगा, लेकिन ये इसका माना हमने याद करना है ना, इसका माना आलिमा या आलम, उसका माना इलम से करना, ठीक है, इलम से है। तो जब हमने आयन नामी मादा याद कर लिया है तो इस पैटर्न को अगर हम देखें तो ये बहुत दफा इन्नी आलम माला तालम, ये वो है जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से बात की थी कि मैं खलीफा बनाता हूँ इंशाल्लाह, अगली जो आयात है नेक्स्ट लेसन की वो उसमें आएगा, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो, अलिम आलम आलमुना तालमुना, आलिम जानने वाला मालूम जो कुछ जानी जाएगी चीज़ है, और एक है आमीला, इसे मिलता जुलता है आमीला, आमीला उसने अमल किया, आमीला उसने अमल किया। देखें कुरान पाक में इस मादे से भी बहुत सारे अफाल आते हैं, आमीला उसने अमल किया, या अमल एमल आमिल मालूम मामूल, एक है मालूम और मामूल, थोड़ा सा साउंड का डिफरेंस है, हम इस थोड़ा सा गौर करें। मामूल ये आमीला उसने अमल किया, और आलिमा उसने जाना, ठीक है, आमिल सवाल। हामिदा या हमदू ये भी सामिया का पैटर्न है, हामिदा या हमदू अहमद हामिद महमूद और हमद, महमूद जिसकी हम जिसकी तारीफ की गई हो, हामिद तारीफ करने वाला, हम तारीफ। खासिरा या खसरो ये सामिया का पैटर्न है, खासिरा मना है वो खसारा, उसने खसारा वो खसारे वाला हुआ, या खसरो अक्सर खासिर डैश और खुसर, इन्ना इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान खसारे में है, शगिरसान हजारे में, इसी से ये खासिरा का फेल निकला है, ये भी रेफरेंस जुमला हमें याद होना चाहिए। तो ये बात हमने देखे अब तक ये सामिया के पैटर्न पर थे, और इसके अलावा और भी सामिया पे हैं, शाहिदा ये भी सामिया पे है, शाहिदा ये शहादु ये शहादु शाहिदुन मशहूद और शहादत, शहादत है ये इसका मस्तर इस्तेमाल होता है, शाहिदा उसने गवाही दी, शाहिदा उसने गवाही दी, अशहादु किसी से आते हैं ना, शाहिदा यशहदु, अब यशहदु का आप देखें यशहदु यशहदूना तशहदु अशहदु, तो आप देखें हमें ये वाला पैटर्न याद है, तो ये जब हम छह चाबियां जान लेंगे तो पूरा टेबल हम बना सकते हैं। अब अशहदु जो है
वो हमें बज़ाहर इस लाइन में नजर नहीं आ रहा, लेकिन अशहदु को हम कैसे निकालेंगे? पता है अशहदु मुजारे है, तो ये यशहदु, यशहदु ना अशहदु, अशहदु ये वाला अशहदु आना वाला, मैं गवाही देता हूँ, तशहदू ना तुम सब गवाही देते हो। इस तरह हमें ये छह किताबें की मदद से पूरा टेबल बनाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। इस तरह से आहिदा, आहिदा माना क्या है? उसने अहद किया, उसने वादा किया। आहिदा या हद समिया या सुनो, आहिदा या हदु ए हद इस्मा, ठीक है, ए हद आहिदुन माहूदुन और अहद, अहद मैंने अहद करना, या नकुजुना अहद अल्लाह, ये भी हमने आयत पढ़ी लास्ट लेसन में, वो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, या नकुजुना नकाजा या नकुजु या नकुजुना, वो सब तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को। माशाल्लाह देखिए हमने फतहा नसरा जराबा और समय के पैटर्न पर आने वाले सीखा। समय पे हमने अभी देखा अलीमा अमीला हमीदा हसीदा शहीदा और आहिदा, छह अफाल हमने सीखे हैं समय के अलावा इस बढ़ाने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमारी जो वोकैबुलरी है उसमें बहुत इजाफा हुआ है, और इसका पता तब हमें चलेगा जब हम पुराने बाग से कुछ सिर्फ तिलावत करेंगे और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे अफाल से निकालेंगे, जो सामिया के पैटर्न बढ़ाते हैं, नसरा के पैटर्न बढ़ाते हैं, जराबा के पैटर्न बढ़ाते हैं, या फतह के पैटर्न पर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आने वाले जो अफाल थे हमें चार पैटर्न पर हमने सीखे हैं, ये जो सेहतमंद हरूफ वाला अफाल अब तक हमने देखे। इसके अलावा हम शुरू करेंगे वो अफाल जो हमने पहले पढ़े हैं और वो कमजोर हरूफ वाले हैं। पैटर्न तो यही चार हैं, लेकिन अब तक इन चार पैटर्न पर आने वाले उन अफाल को हमने देखा जो कि सेहतमंद हरूफ वाले अफाल थे। अब हम इन्हीं चार पैटर्न पर आने वाले उन अफाल को देखेंगे जो कि कमजोर हरूफ वाले अफाल हैं। तो आइए आप देखते हैं, सबसे पहले था फातहा। फातहा पैटर्न पर हमने एक टेबल सीखा था, सबसे पहले वाहवा, वाहवा को बना गया, उसने अता किया, वाहवा उसने अता किया। आइए इस टाइप पर आप जो कौन से आते हैं, वाहवा, वाहवा हमने सीखा पहले, वाहवा यहबु हब वाहिबुन मौहूमुन और वाहवा, वाहबुन भी मसर आता है और वाहबुन भी आता है, यानी कि ये जो दरमियान में हा है ना, हा के ऊपर जबर भी आती है और ये दोनों तरह से आ सकता है, वाहबुन भी और वाहबुन दोनों तरह से। अब इससे हम देखेंगे ये जो रेफरेंस बना हमने कहा वाहा पर ना मिल्लतुन का रहमा, ये हम दुआ मांगते हैं और दे हमें अपने तरफ से हब, ये ना हब, तू अता कर हमें अपने तरफ से रहमा। अब इसी वहां पर जो हमने पहला टेबल पढ़ा था फातहा के पैटर्न पर कमजोर अफाल के हिसाब से, मैंने पहला जो टेबल सीखा था वहावा, इसी के साउंड पर और भी आते हैं अफाल जो हम अभी सीखते हैं। वाका, वाका ये वहावा की तरह है, जैसे वहावा का बाब फातहा है, इस तरह वाका का बाब भी फातहा है। वाका याकाउ, वाका वो वाके हुआ, वका यकाउ का वाकिउन मौकूउन वुकूल, इजा वाकादिन वाके, इस एग्जांपल में लफ्ज बोलते हैं ना वुकुआ, जाए वुकुआ, ठीक है, यानी वो जगह जहां पर वाकया हुआ है, बार रही इसी से है निकला, इजा वाकादिन वाके। तो इसमें कमजोर अफाल कमजोर हरूफ कौन से हैं? वहावा में वाव है, वाका में भी वाव आ रहा है। तो अब हमने दो फेल सीख ली है, एक वाहबा और वाका। एक हमने वर्क में भी एक टेबल सीखा था वाहबा की तरह वाजा, तो वाजाओ इस तरह से वाजा यजाओ का या काओ, ठीक है। तो ये गोया कि हमने कमजोर अफाल की कैटेगरी में वाहबा वाका और वाजा तीन गोया कि हम सीख ली है हमने, जो कि फतहा के पैटर्न पर आते हैं। तो इस तरह के तकरीबन 55 अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान पाक में 650 बार आए, तो ये गिनती बहुत ज्यादा है हम अगर देखें अपनी प्रैक्टिस के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह वहाबा के पैटर्न पर आने वाले अफाल को हमने सीखा, इसके बाद वादा। अब ज़ाराबा का जो पैटर्न हमने पहले सेहतमंद अफाल सीख लिए थे, अब हमने कमजोर अफाल में सबसे पहले वादा सीखा था ज़ाराबा के पैटर्न पर, वादा याईदू
तो वादा की तरह और भी कुछ अफाल हैं इंशाल्लाह। वादा इसमें भी देखिए वाव कमजोर हर पे वाव आइंदार मादा था उसका हमने सीखा और ज़ारा बाकी इसका पैटर्न है। देखें के वादा यादू ईद वाइदुन मौदुन और वाद एक रेफरेंस जुमला हमने सीखा था वहां पर वर्कबुक में अला इन्ना वादल्लाहि हक अला सुन लो इन्ना बेशक वादल्लाहि अल्लाह का वादा हकुन हक है। ये बात हमने सीखा सबसे पहला फेल कमजोर अफाल की कैटेगरी में ज़ारबा के पैटर्न पे और इसके बाद हमने सीखा वजदा वजदा यजिदु वादा यईदु वजदा यजिदु इसमें भी वाव कमजोर हरफ है वाव जीम और दाल मादा है इसका वजदा यजिदु जिद वाजिदुन मौजूदुन वजूदुन। जब हम छह जामियों के दौरान जब हम इशारे करते हैं तो हम सबको समझ आ जाता है कि ये मैं कह रहा हूँ जिद मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि ये फेल अमर है लेकिन अमर का इशारा हमें पता है कि जिद ये फेल अमर है वाजिदुन ये हमें पता है इसम का इशारा है मौजूदुन इसम का इशारा है जूदुन ये नमस्ते का इशारा है इन्ना वजदनाहु साबिरा ये रेफरेंस जुमला हमने देखा इसके लिए। इसी तरह से वाजदा की तरह वासाला वासाला यासीन वासाला यासीन ये हमने आज की जो एक हमने आयत पढ़ी थी आई यू सला तो उसी से ये वासाला से ही है वो भी ठीक है वासाला उसने मिलाया यसीलू वो मिलाता है सिल मिला वासिलुन मिलाने वाला वो मौसूलुन से मिलाएगा मौसूलुन मिला। यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंस में जो ये आयत लिखी है ये भी वही आयत जो आज हमने पढ़ी है वयक्तौना मा अमर अल्लाहु बिही आई यू सला बिही आई यू सला ठीक है तो वसाला उसने मिलाया यसीलू को मिलाता है। इसके बाद वलादा ये भी वादा की तरह ही है जैसे वादा का बाप जरा बार ये जो आने में इसके सॉल्व पर आने वाले अफाल है उनका बाप भी जरा बार ही है वलादा वसाला वलादा वलादा उसने पैदा की वलादा उसने पैदा की वलादा यलिदु लिद वालिदुन मौलूदुन विलादत ठीक है। अब इनमें बहुत से अफाल हम अपने रोजमर्रा के इसमें इस्तेमाल नहीं करते रहते लम यलिद वलम यूलद सूरतुल इखलास में हमने तो लम यलिद जो है ना यलिदु ये लम यलिद और लम यूलद ये लम ये बेसिकली जो है ना फिल मुजारे ही है मुजारे का पहला सीगा है यलिदु ये जो लम यलिद है ना ये यालिदु है लेकिन यहाँ पर इसके आखिर में जो पेश खत्म हुआ है और साकिन हो गया जज़्म लगा दी गई है ये इसके पीछे आने वाला एक हरफ है लम लम की वजह से इसके आखिर में जज़्म आ गया पेश खत्म हुई है। ये कंसेप्ट इंशाल्लाह जब हम इन बामाना अल्फाज को जो हम अभी सीख रहे हैं रूप को मिलाकर हम अल्फाज बनाना सीख रहे हैं अभी बामाना तो इस तरह जब इन बामाना अल्फाज को मिलाकर जब हम जुमले बनाना सीखेंगे नाहव में जाकर और में तो वहां पर हमें ये बात पता चल जाएगी कि जो अफाल हैं उनके आखिर की हरकतें कैसे चेंज होती हैं आसमान के आखिर की हरकतें कैसे चेंज होती हैं तो वहाँ इंशाल्लाह हम इसी को सीख लेंगे। बहरहाल तो यानी तो फिल मुज़ारे उसी से है लम यलिद और लम यूलद जो है इसकी दूसरी फॉर्म है जो हमने इस कोर्स के आखिरी लेसन में पढ़ा कौन सा है वो पैसिव वॉइस का कांसेप्ट है इंशाल्लाह। एक और फेल है वका वका यकीन हाँ यकीन वका का मतलब क्या है उसने बचाया यकीन वो बचाता है और इसका फेल अमर है के इसका फेल अमर क्या है के। अब एक और करें इस बात पे कि ये है तो जराबा का पैटर्न है और वादा की तरह ही है लेकिन इसमें काफ और या इसके मादे में तीन हरूफ हैं और लेकिन उसमें से दो जो है उसमें दो अरब कमजोर है ऐसा मुमकिन है हो सकता है कि एक फेल में दो हरफ भी कमजोर आ सकते हैं वाव भी कमजोर हरफ है और या भी कमजोर हरफ है। इसी तरह से आप देखें कि ये जो फेल है इसका जो फेल अमर है की
इनके ऐसा है जिसका सबसे छोटा जो वर्ब है वो इसी फेल का आता है, सबसे छोटा जो वर्ब है इसमें सिर्फ एक ही हरफ है कि तू बचा, फेल नंबर क्या है कि तू बचा। अब गौर करें कि इसमें जो बाकीना अजाब नार जो हमने रेफरेंस टू कलाम सीखा है इस फेल से, वो क्या है ये ना रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना फिर आखिरत हसना वकीना अजाब नार, ये दुआ हम पढ़ते हैं। वकीना में वाव की और ना ये तीन टुकड़े हैं, ये क्या है इस दुआ में ये तीन टुकड़े हैं, वाव एक टुकड़ा की एक टुकड़ा और ना, ठीक है फिर अमर है। तो इसका फिर अमर इसलिए ऐसा आया है क्योंकि इसमें कमजोर हरफ जो है वो या भी कमजोर हरफ है जो कि कमजोर होने की वजह से गिर जाता है फिर अमर में आके, तो इसलिए यहाँ पर एक ही हरफ है फिर अमर में। बहरहाल इसका माध्यम में दो कमजोर हरफ आ गया, वाव गया और या भी आ गया, वका या की वाकिन मौकीजुन और विकायत। ये जो हमने अफाल सीखे हैं वादा के सौ पर सबका पैटर्न ज़ारा भाई आता है, वादा यईदु वलदा यजिदु वसला यसिदु वलदा यलिदु वका यकी। बेसिकली ये देखें आप गौर करें कि जो इसका फेल मुजारे है, अगर आप ये समझ रहे होंगे कि जो फेल मुजारे है इसका सौ तो यईदु की तरह नहीं लग रहा है, इसका सौन याद की तरह जैसे कि हमने बात की थी कमजोर अफाल के बारे में कि कमजोर अफाल में सौन बज़ाहिर एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अब वका जो है असल में है वाका या की यू, तो अब सौन बराबर हुआ ना वाका या की यू, ठीक है। फिल माजी में आप देख रहे हैं वका है, तो वका यानी के वाव का अलीफ है, ठीक है ये अलीफ है असल में लिखने में याद आता है लेकिन पढ़ने में ये अलीफ है वाव का अलीफ। तो अलीफ जो बारे में हमने ये पढ़ा कि जब माजी में अलीफ आ जाता है तो वो माता के ऐसा नहीं, तो अलीफ वाव या के बदले हुई आदत होती है, वो वाव कब होता है या कब होता है ये हम डिटेल पहले भी देख चुके हैं कारा काना कारा के अंदर देख चुके हैं। तो इस तरह से देखें ये जो इसका जब मुजारे देखा यकी तो वहां पर हमें वाजह हो गया कि ये जो अलिफ था ना माजी में वो असल में या, ठीक है। बहरहाल उम्मीद है कि ये जो वका का टेबल है आपको समझ आ गया होगा, मैंने इसके बारे में जो जरूरी तफसील थी मैंने आपको बता दी, फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप बात कर सकते। तो आगे देखते हैं वादा की तरह हमने चार टेबल और सीखे हैं, वाजदा वसदा वालदा और वका। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितने ज़रा अफाल सीखे जी, आज जो हमने सात अफाल मशक किया हमने वो कुरान पाक में 350 अफाल थे। तो ये जो काउंटिंग यहाँ लिखी होती है ये ज़रूरी नहीं कि कन्फर्म में ऐसी ही हो, इसमें ये लिखा था तकरीबन है कितने अफाल, ये तकरीबन इतनी दफ़ा कुरान पाक में, तो ये हर बंदी का अपने सच के मुताबिक है। हो सकता है कि आप इस सर्च करें इससे ज़्यादा भी निकलें, हो सकता है आप सर्च करें तो इससे कम भी निकलें, ठीक है। तो ये जो तादाद लिखी जाती है बेसिकली आपके इंटरेस्टिंग के लिए है कि देखें कि कितनी दफ़ा एक माता हमें सीख लिया एक बाप हमने सीख लिया उससे कितने ज़्यादा अफाल हमें सीख समझ में आ गए हैं। बाहर तो हमने बहुत कम अल्फाज सीखे हैं लेकिन ये कुरान पाक में रिपीट होकर इतने आते हैं, तो रेपिटेशन की वजह से हमें बहुत सारे अल्फाज का ज़खीरा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक आने वाले जो अफाल थे वहाबा के पैटर्न पर और वादा के पैटर्न पर सीखे हमने कमजोर अफाल में, और अब हम इसका अरबी बोलचाल में हम इन अफाल को सीखेंगे। अरबी बोलचाल में अगर कोई मुश्किल हुई तो आप हैंडल्स करके बता सकते हैं, बाजार इसमें कोई है नहीं है, माजी और मुजारे की ही प्रैक्टिस है इसके अंदर, अगर कोई मुश्किल आपको नजर आई तो आप हैंडल्स करके। हल शहीदता ये सामने के लिए है इशारा है ताकि जो आप से आएगा, क्या आपने गवाही दी माजी में है नाम शहीद तू, जी हाँ मैंने गवाही दी। अल शहीद तुम, क्या आप सबने गवाही दी नाम शहीद ना, जी हाँ हम सब ने गवाही दी। अल तशहादु ये मुजारे का होगा कि आप गवाही देते हो नाम अशहादु, जी हाँ मैं गवाही देता, इसी से अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
हल तशहदूना कि आप सब गवाही देते हैं, नाम नशहदु जी हाँ हम सब गवाही देते हैं। वादा का पैटर्न है वाद, हल वादता क्या आपने वादा किया, नाम वादतु जी हाँ मैंने वादा किया। साथ साथ आप लोग इशारे करते जाएं अपने एंड पे ताकि आपको सारे इशारे भी याद हो। हल वादतुम क्या आप सब ने वादा किया, नाम वादना जी हाँ हम सब ने वादा किया। हल ताईदु क्या आप वादा करते हो, नाम आईदु जी हाँ मैं वादा करता हूँ। हल ताईदुना क्या आप सब वादा करते हैं, नाम नाईदु जी हाँ हम सब वादा करते हैं। हमने इसको पॉजिटिव आंसर के लिए नाम का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। फिर हमारा है इद, क्या बना है इद तू वादा कर। फिर अमर का और नहीं का जैसे मैंने बताया था कि इसका आंसर हम फिल मुजारे से ही देते हैं, आई दू मैं वादा करता हूँ या करो, इदू तुम सब वादा करो, नाइदु हम सब वादा करते हैं या करें। वजदा के टेबल हमने हल वजदता नाम वजदतु, हल वजदतुम नाम वजदना, हल तजिदु नाम अजिदु, हल तजिदुना नाम तजिदु, हल जिद फिर हमारा जिद का मतलब क्या है, वजदता कहाँ पढ़ा था उसने पाया, उसने हासिल किया उसने पाया, तो जिद पा अजिदु मैं आता हूँ इसे करता हूँ, जिदु तुम सब आओ, नजिदु हम सब आते हैं, किसी को हासिल कर लेना किसी को पा लेना वो कहते हैं वजदा। अरबी में एक और फिर हमने पढ़ा था वसला, वसला मैंने मिलाना, हल वसलता, हल वसलता जब माजी का इशारा होगा तो जस्ट लेवल पर हम करेंगे हल वसलता क्या आपने पाया मिलाया सॉरी हल वसलता क्या आपने मिलाया, नाम वसलतु जी हाँ मैंने मिलाया, हल वसलतुम क्या आप सबने मिलाया, नाम वसलना जी हाँ सबने मिलाया, हल तसिलु क्या आप मिलाते हो, नाम असिलु जी हाँ मैं मिलाता हूँ। ठीक है तो फिर मुजारे का जो आंसर है वो हम हाई लेवल पर करेंगे, हल तसिलु नाम क्या आप सब मिलाते हो, नाम असिलु जी हाँ हम सब मिलाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जितने भी अफाल सीखे थे सामिया के पैटर्न पर आने वाले अफाल और उसके बाद कमजोर अफाल वहावा के पैटर्न पर, वहावा का सौंता और वादा के सौंता आने वाले अफाल सीखे हैं। इनको हमने अपने वर्कबुक में भी ऐसे लिखना है कि फिल माजी गुजारे फिल अमर अपने लिखना है और प्रैक्टिस करनी है इसकी और फिर इस तरह से हमने उनके मानक ठीक है। और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो लेसन है वो मुकम्मल होता है, इसमें हमने 4D हमने कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हमने कोर्स 2 के 4 सफात हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो हम आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने समझने गौर करने अमल करने लाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته